हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं सगीर अहमद सर के बुक का 14 नंबर से एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैंने 1 से 13 तक में 2 से 3 पार्ट में उसको कवर किया हूं। अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर सगीर अहमद सर की बुक की मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियो से सॉल्व करें, एक आसान विधि से, एक ट्रिक वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका ये है, और आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब तक आप इसको एक इजी वे में बनाने के लिए एक मेथड है वो सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको गुना भाग करने में लगेंगे, माइनस और प्लस करने में, तो बहुत समय लग जाएगा। मल्टीप्लिकेशन भी दिया हुआ है तो वो करने में आपको समय लग जाएगा। तो देखिए करेंगे कैसे, हम सबसे पहले इसको मान लेंगे। देखिए 16 × 16 लिखा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं 16 को ए मान लेते हैं, यानी कि 16 बराबर ए, और 5 को मान लेते हैं बी, ठीक है। तो इसी तरह से अब देखिए इसको मिटा देते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको लेट, ठीक, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, चार ऑप्शन तो आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। अब देखिए ये चार ऑप्शन में से कौन आंसर होगा, यही ला देगा हमको, सिर्फ इससे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी, ठीक है। अगर भूल भी जाएंगे तो ऊपर के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चन में रहता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। अब देखिए ये और ये कट गया, तो यहाँ पे 1 बचा, यानी कि 1 बाय ए माइनस बी। अब इस पर आप सॉल्व कर दीजिए, 1 ए का मान क्या है 16, बी का मान क्या है माइनस 5 रख दीजिए, यानी कि माइनस यहाँ से, तो 1/11 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्तों, सवाल तो काफ़ी लंबा है, और देख के भी डर लगता होगा कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो डरना नहीं है, बहुत आसानी से बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए 13 है ना, दो बार इसको आप ए मान लीजिए, और ये 7 7 इसको बी मान लीजिए, ठीक। तो सारा पुट हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको हटा देते हैं, 3ab प्लस 5ab और बटे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 5ab है, इसको अगर सॉल्व करते इतना को, तो क्या बचेगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा ना, अब प्लस बड़ा के साथ है तो प्लस 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ये तो कट जाएगा, कट गया तो क्या बचा, ए माइनस बी, यानी कि 13 - 7, ठीक है। तो 13 - 7 बराबर क्या होगा, 6, आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं इसको शॉर्टकट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका एडिशन है, और एडिशन में भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जो कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लगता होगा कि ये तो मैं बना सकता हूँ, ये तो सिंपल सा है, पहला क्वेश्चन ये भी स्टार्ट ही हुआ है तो सिंपल लग रहा है, लेकिन आगे चल के थोड़े थोड़े लॉजिकल दूंगा, जो कि आपको ये कहीं माइनस डाल दिया जाएगा, कभी बराबर के उस पार कुछ अंक दे दिया जाएगा, तो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट तरफ से जो अंक बोलेंगे उसे कट लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, 8 और 6, देखिए जब मैं बोल रहा हूँ कट कर रहा हूँ, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 और 6 20, 20 की 0 रखेंगे यहाँ पे, और मेरा हासिल जो हो गया 2 रह गया कैरी, ठीक है। फिर 5 और 1 6, 6 और 7 कितना होता है 13, 13 और 6 और 7 13 और 2 था ना यहाँ पे 15, 5 carry 1, ठीक। फिर हमको यहाँ पे 0 है और 9 है, 9 और 5 14 और 1 15 की 5 carry 1 2 और 1 3, 3 और 8 कितना होता है 11,
इलेवन और वन कितना हो गया 12, ठीक। तो 12,550 आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया है तो इसमें आप पांच नंबर ऑप्शन नन ऑफ दी जिसको कहते हैं इनमें से कोई नहीं, वो आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो सिंपल सवाल था, और अगर है आगे तो मैं बताता हूँ लॉजिकल सब। 16 नंबर 17 देखते हैं। देखिए दोस्तों 17 नंबर सवाल भी बहुत आसान है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं उसी मेथड से जिस तरह से मैंने पीछे बताया था। देखिए इसको करना हो इसी तरह से राइट साइड से करेंगे और कट करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 है और 0 है, तो क्या हो जाएगा 4 4 और 6 10, 10 की 0 कैरी आपका 1 हो गया, ठीक है। 1 इधर रख लीजिए, 1 और 2 3 3 और 1, ठीक है। 4 4 और 1 5, ठीक। अब देखिए 9 और 5 14, 14 और 6 20 की 0 कैरी आपका 2 हो गया, ठीक। 8 और 7 15, 15 और 3 कितना होता है 18, 18 और 2 20 की 0 फिर कैरी आपका 2 हो गया। अब देखिए 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, तो 10 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। और जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर कितना है आपका, तो ऑप्शन है 4 नंबर। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी इसी तरह से होगा। देखिए दोस्तों 18 नंबर भी सवाल उसी तरह से दिया गया है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 2 26, कि 6 लिख दीजिए कैरी आपका 2 हो जाएगा, ठीक। 2 और 0 2, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 2 तो 11 और 2 13, 11 और 2 13, कैरी आपका 1 हो जाएगा। बस वैसे जोड़ते चलिए, कोई कुछ नहीं है। 0 और 1 1 और 7 8 8 1 9, ठीक। अब देखिए 1 और 3 1 4, ठीक। 49 36 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते थे। देखिए 19 नंबर सवाल भी बहुत आसान है, आप सॉल्व करेंगे ऐसे 4 और 8 12, 12 और 9 21, 21 की 1 कैरी आपका 2 हो जाएगा। फिर 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 की 0 कैरी आपका रख लीजिए वही 2, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 और 5 14, 14 और 8 32, 14 और 8 22, 22 और 2 कैरी था ना 24 हो जाएगा, कैरी आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका देखिए 1 और 3, तो क्या हो जाएगा 4 4 और 5 9, 9 और 2 11, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4। तो बस आसान है, ऐसे आप करके बना सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ इसमें, ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको राइट साइड से ऐसे कट कट करके बनाएंगे ना तो आपको जल्दी बनेगा, और जब बराबर के उस पर रहेगा तो कैसे करेंगे वो भी बहुत जल्द बताऊँगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, उसी तरह से करना है, ठीक। सारे क्वेश्चन तो आसानी मिल रहे हैं आप लोगों को। 4 और 5 9 और 8 17 की 7 कैरी 1, ठीक। मतलब आपको राइट साइड से जोड़ जोड़ के करते जाना। देखिए 3 लिखा हुआ है 6 हो गया, 6 6 12 12 1 13 की 3 हासिल 1, 8 4 12 12 और 9 21, 21 और 1 22 की 2 हासिल आपका 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 7 3 10 2 12, ठीक। 12,237 आंसर नंबर 2 आपका हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बना सकते थे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अगर इस तरह से मिले तो आप कैसे करेंगे, आपको मैं एक विधि बताता हूँ। जिसके सबसे पहले आप याद रखेंगे बड़ी सोच, इंसान को बड़ी सोच होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बड़ा सोच मतलब बड़े अंकों पे चले जाइए, तो यही से बड़ा अंक है तो इसको गुना कीजिए। कितने बार आइए 4 टाइम, तो यानी कि 7 को 4 से गुना कर दीजिए, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, ठीक। फिर ये 3 टाइम है, 21 21 22 23 हासिल 2, 7 9 14 15 16 की 6 हासिल 1, 7 5 7 और 1 8, ठीक है। मतलब ये जितने टाइम है ना उसको गुना कर देना, यानी कि 7 को गुना कर देना 4 टाइम्स से, ठीक। और यहाँ लिख देना ये जितने टाइम है 7 7 गुना 3, लेकिन हाँ बड़े अंकों से, और तब
एक शर्त है, तब जब एक अंक, दो अंक, तीन अंक लिखा हो, ठीक, अगर एक अंक मिटा दिया जाए तो फिर उसी तरह से कट करके बनाएंगे। आप अगर कट करके करते हैं, 7, 14, 17, 21, 7, 24, 28, 8, 2, तो इस तरह से ही बनेगा, 7, 14, 17, 21, 22, 23, 2, 7, 7, 14, 15, 16, 6, 1, ठीक, 7 और 1, 8, ठीक। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन जब एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक इस तरह से रहे तो आप इस तरह से बनाएंगे। यही सवाल को क्या करेगा, वो उलट फेर करके दे देगा, यहाँ ये दे देगा, वहाँ दे देगा, तो भी आपको बड़े अंकों में चार अंक, फिर तीन अंक, फिर दो अंक, फिर एक अंक, इस तरह से खोज खोज के कर लेना, तो आसान था। देखिए 22 नंबर थोड़ा सा लॉजिकल है, तो इसका आंसर 5 नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये आपको ऑप्शन में नहीं मिला। तो चलिए 22 नंबर सवाल देखिए किस तरह से वो लिखा गया, ठीक है। देखिए दोस्तों 22 नंबर सवाल अगर बनाना हो तो आप उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से आप 21 के, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 से स्टार्ट हुआ है, तो 2 से अगर स्टार्ट हो तो आप इस तरह से करिए, 6 और 6, यानी कि 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 24 की 4, 2, फिर 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 25, 26 की 6, 2, 6, 6, 12, 6, 18, 19, 20 की 0, 2, 6, 6, 12, 13, 14 की 4, 1, 6 और 1, 7, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे, 74, 0, 64 आंसर हो जाएगा आपका, और ये आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। तो जल्दी इस तरह से भी बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 के बाद। देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे बनाएंगे, आपको इसको बनाने के लिए आपको ये सोचना है कि देखिए ये जो निगेटिव है ना, ये क्वेश्चन मार्क को हमेशा पॉजिटिव बनाना होता है, ठीक है। अब यहाँ से स्टैंडर्ड लेवल का सवाल आ गया, ठीक है, और ये सब सवाल बनाने के लिए आपको एक लॉजिक और एक ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं बताऊंगा, बहुत ही अच्छे ढंग से सब्र रखिए, मेरे सारे वीडियो को आप देखिए, मैं आपको चाहता हूँ कि हर चीज़ बताऊँ। ये देखिए ईजी से स्टार्ट किया हूँ अभी, ठीक है, और उसके बाद मॉडरेट तक और हाई लेवल तक के क्वेश्चन को मैं बताऊँगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन मार्क उस पर ले जाएंगे, ठीक है, तो इक्वल टू के उस पर जब जाएगा कोई चीज़ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम यहीं पे इसको पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है, और इसको इस पर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो यहीं निगेटिव बना लेंगे, ठीक। और सॉल्व कीजिए पीछे से, कैसे कर रहा हूँ, 2, 2 और 8, 2, 10 की 0, हासिल आपका 1 हो गया, -8 + 9, 1 बचा, 1 और 7, 1, 8 बचा, 8 और 1, 9 हो गया, ठीक है, -1 + 1, 0 हो गया, 0 और 8, 8 हो गया, ठीक। उसके बाद -9 और +1, तो क्या हो जाएगा, -8, -8 और +6, -2, ठीक। अब देखिए माइनस सभी के साथ लग गया, ऐसा समझ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा, पैचा इधर से जाएगा, 10 में 9 जाएगा 1, यहाँ पे 9 बचेगा 9 में 8 जाएगा 1, और चूंकि ये सबको पैचा दिया है तो इसका 1 हो जाएगा, और चूंकि माइनस है ही तो माइनस में आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को 24 से स्टार्ट करके बताऊंगा, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जब जब वीडियो डालूंगा आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे मैं वीडियो डालूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।